स्वागत है आप सभी का पेपर हैकर में। मैं खुशी आज आपको बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की होम साइंस पढ़ाऊंगी। तो यूनिट जो है वो यूनिट थर्ड है हमारी और क्वेश्चन जो रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है किशोर अवस्था में किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वर्णन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है, किशोर अवस्था में किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वर्णन कीजिए। ठीक है, आगे बात क्या होती है, एवं किशोर अवस्था में आहारीय आवश्यकता पर लेख लिखिए। यानी कि इन्हें हमसे दो बात पूछी है, पहली क्या है कि किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और फिर क्या पूछा है, आहारीय आवश्यकता पर लेख लिखनी है। ठीक है, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक है, पर लेकिन उन्होंने बात को घुमा दिया है। तो चलिए अपना आंसर देखते हैं। तो आंसर है हमारा किशोर अवस्था में 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बालक, यानी कि 12 से 18 वर्ष की आयु के जो भी बच्चे होते हैं वो किसमें आते हैं, किशोर अवस्था में। ठीक है, तो बालिकाओं आती हैं। ठीक है, इस अवस्था में बालक का शारीरिक मानसिक सामाजिक विकास सामान्य को बहुत ही अधिक होता है। यानी कि जो उसका शारीरिक विकास मानसिक विकास और सामान्य विकास, ये सारे के जो भी उसके डेवलपमेंट होते हैं वो बहुत ही तेज़ी से हो रहा होता है। अतः किशोर अवस्था में बालक के सर्वांगीण विकास को देखते हुए बालक के आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी कि क्या करना चाहिए, जब किशोर अवस्था में बालक का सारा विकास हो रहा है, हर तरीके का सामाजिक विकास हो रहा होता है, आर्थिक विकास हो रहा होता है, मानसिक विकास हो रहा है, सारा विकास जब उसका हो रहा है तो क्या उसके आहार पर भी हमें क्या ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कि उसका आहार कैसा है, तो फिर आगे देखेंगे। इस अवस्था में यदि पोषक तत्वों का अभाव होता है तो किशोर एवं किशोरियों का शारीरिक विकास पूर्ण नहीं हो पाता है। देखो, अगर सिर्फ इस एज में क्या होता है कि अगर पोषक तत्व कुछ ही लिमिट में मिले, ठीक है, जितनी आवश्यकता है उतनी ना मिले, तो क्या होता है उनका जो लड़के एवं लड़कियों का क्या होता है, शारीरिक विकास जो होता है, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। ठीक है, जितना होना चाहिए एक बच्चे का पूर्ण रूप से उसका शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अतः किशोर अवस्था में उचित वृद्धि एवं विकास हेतु निम्न पोषक तत्वों की आवश्यकता है। ठीक है, अब जो किशोर अवस्था में क्या करना चाहिए, उचित वृद्धि यानी कि जितनी वृद्धि चाहिए एवं विकास के लिए, जो उनकी हाइट वेट एंड सब उसके जितना भी डेवलपमेंट है उसके लिए कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो वो किस प्रकार से किशोर अवस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता, यानी कि किस प्रकार से वो पोषक तत्व हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कौन कौन से पोषक तत्व उनके लिए आवश्यक हैं। तो सबसे पहला हमारे क्या आता है, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा किस में मिलती है, हमें कैलोरी में। ठीक है, ऊर्जा किसमें मिलती है, कैलोरी में। तो कैलोरीज की हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हमें यह देखना है। तो किशोर अवस्था में ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है क्योंकि इस अवस्था में बालक बालिकाओं के शारीरिक वजन, लंबाई, क्रियाशीलता एवं आधरीय चयापचय दर में वृद्धि हो जाती है। इसमें क्या होती है ना कि बच्चों की जो ऊर्जा की मांग होती है, ज़रूरत जो होती है वो बढ़ जाती है, नीड उनकी बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि इस अवस्था में बालक बालिकाएं जो होती हैं उनका शारीरिक वजन बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है, क्रियाशीलता एवं आधारीय चयापचय दर में वृद्धि हो जाती है। देखो, उनकी हाइट में भी डेवलप होती है वो, ठीक है, वो भी बढ़ती है, वेट भी बढ़ता है उनका, और उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा होता है, तो और उनका जो सारी की सारी चीज़ें सारे डेवलपमेंट हो रहे होते हैं इस एज में। तो उनको क्या होता है ना कि कैलोरीज की जो आवश्यकता होती है, जो ज़रूरत होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस अवस्था में ऊर्जा की मात्रा किशोर एवं किशोरियों की
क्रियाशीलता लंबाई एवं शारीरिक भार पर निर्भर करती है। देखो अब इसमें जो ऊर्जा की मात्रा है, कितनी कैलोरीज उसको देनी चाहिए, ठीक है, वो किस पर निर्भर करती है, किस पर डिपेंड करती है, उसके शारीरिक भार पर, जो उसका शरीर का भार है उस पर निर्भर करती है, शारीरिक भार पर उसके कैलोरीज की जो भी उसकी नीड है वो निर्भर करती है। किशोरों की अपेक्षा किशोरियों को कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब जो लड़के होते हैं, मतलब लड़कियों को ना, लड़कों के अकॉर्डिंग कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, कम कैलोरीज होने चाहिए होती हैं। किशोरों की ऊर्जा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, किशोरों को ऊर्जा की आवश्यकता 2450 से 2640 कैलोरी प्रतिदिन, तथा देखो अब जो लड़कों को जो कैलोरीज की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, वो कितनी होती है, 2450 से 2640 तक, ठीक है, इतनी जो होती है वो कितनी उन्हें पर डे पे ज़रूरत होती है, ठीक है। तथा किशोरियों को ऊर्जा की आवश्यकता 2060 से 2060 कैलोरी प्रतिदिन आवश्यक होती है, उन्हें कितनी 2060 प्रतिदिन कैलोरी चाहिए होती है, पर डे पे 2060 कैलोरीज होने चाहिए होती है किनको, लड़कियों को, ठीक है, लड़कियों को चाहिए होती है। लड़कों को कितनी चाहिए, ये किसको चाहिए, ये चाहिए लड़कों को। ठीक है, ये लड़कों को चाहिए और ये किसको चाहिए, इतनी कैलोरीज किसको, लड़कियों को चाहिए होती है, और ये जो होती है वो लड़कों को चाहिए होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे कि और कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। फिर आता है हमारा प्रोटीन, प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है किशोर अवस्था में, ठीक है। तो किशोर अवस्था में शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है, इसलिए अस्थियों एवं मांसपेशियों की वृद्धि और ऊर्जा की पूर्ति के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। देखो उनका जो शारीरिक विकास मानसिक विकास बहुत तेजी से हो रहा होता है, तो इसलिए किसकी, उनकी अस्थियों की, ठीक है, उनकी अस्थि उनकी बोन्स के लिए और मांसपेशियों के लिए, उनकी नस मसल्स एंड बोन्स के लिए क्या जरूरत होती है, प्रोटीन की अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। तो जितनी मात्रा में उन्हें पहले चाहिए होती है किशोरावस्था से पहले बाल्यावस्था तक, पर उससे अधिक मात्रा में चाहिए होती है उन्हें किशोर अवस्था में, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके मसल्स और बोन्स का जो होता है वो निर्माण हो रहा होता है। आगे देखेंगे इस अवस्था में किशोरों को प्रतिदिन 70 से 78 को प्रतिदिन 65 से 63 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। देखो जो लड़के होते हैं उनको कितनी चाहिए होती है, लड़कों को चाहिए होती है 72-78, किसको, लड़कों को, ठीक है, और ये किस इतनी किसको चाहिए, ये चाहिए लड़कियों को। ठीक है, ये लड़कियों को चाहिए कितनी 65 से 63, कितनी 65 से 63 ग्राम प्रतिदिन लड़कियों को चाहिए होती है और 70 से 78 ग्राम प्रतिदिन लड़कों को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, पर डे पे इतनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है हमारा वसा, यानी कि वसा की कितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है किशोरों को, ठीक है, किशोर अवस्था में। तो वसा का मुख्य काम ऊर्जा प्रदान करना होता है, ठीक है, किशोर किशोरियों को ऊर्जा प्राप्ति के लिए 22 ग्राम प्रतिदिन वसा की आवश्यकता होती है। देखो वसा का जो मुख्य काम कहता है, या मेन वर्क जो उसका है, वो क्या है, ऊर्जा प्रदान करना, यानी कि एनर्जी देना है, ठीक है। और जो लड़के एवं लड़कियां हैं उनको पर डे पे कितनी एनर्जी लेनी चाहिए, कितना वसा लेना चाहिए, 22 ग्राम, ठीक है, 22 ग्राम वसा लेना चाहिए पर डे पे, ठीक है, इतना उनको अपने फूड में शामिल करना चाहिए।
अत्यधिक वसा के सेवन से मोटापा बढ़ने का डर रहता है, जिसके कारण हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि होने की संभावना बढ़ जाती है। देखो, और अगर ज़्यादा ही ऑयली फूड हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि उनका जो मोटापा बढ़ सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, और ये सारे प्रॉब्लम्स उन्हें इनको बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, ये होने की संभावनाएं हो सकती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कैल्शियम। ठीक है, अब कैल्शियम की इतनी ज़्यादा आवश्यकता होती है किशोरावस्था में, तो अस्थियों एवं दांतों के समुचित निर्माण एवं विकास के लिए आहार में कैल्शियम का होना नितांत आवश्यक है। यदि किशोरावस्था में कैल्शियम युक्त पौष्टिक आहार नहीं मिल पाते हैं तो उनकी, देखो क्या होता है कि हड्डियों का, और मतलब हड्डियों का, मांसपेशियों का निर्माण के लिए कैल्शियम जो होता है वो हमारे लिए ज़रूरी होता है। कैल्शियम का होना नितांत आवश्यक है, और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है उनकी बॉडी में, तो उनकी अस्थियों का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। अस्थियों का बढ़ावर कम हो जाती है, इस कारण वे नाटे रह जाते हैं। देखो, और अगर उन्हें कैल्शियम नहीं मिल पाता है किशोर अवस्था में भरपूर मात्रा में, तो क्या होता है कि उनकी अस्थियों का विकास चाहे ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा, और जिससे क्या होगा कि वे नाटे रह जाएंगे, यानी कि छोटे कद के ही रह जाएंगे, उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ICMR के भोज्य विशेषज्ञों ने किशोरों व किशोरियों के लिए 500 से 600 प्रतिदिन कैल्शियम की प्रस्तावना की है। देखो कितनी बताई है ICMR के अकॉर्डिंग, कितनी बताई है, 500 से 600 प्रतिदिन कैल्शियम की प्रस्तावना की है, यानी 500 से 600 कैल्शियम प्रतिदिन पे लेना चाहिए लड़के एवं लड़कियों दोनों को। जैसे कि दूध से बने व्यंजन, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि, कैल्शियम किसमें पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, हम जानते हैं। दूध से बने जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी चीज़ें दूध से बनती हैं, उन सब में कैल्शियम की मात्रा होती है। और किसमें, हरे पत्तेदार सब्जियां जो हरी होती हैं, सब पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनमें भी कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम प्राप्ति के उत्तम स्रोत हैं, अतः आहार में इनका समावेश आवश्यक किया जाना चाहिए। मतलब और क्या करना चाहिए, इनको आहार में ज़रूर सम्मिलित करना चाहिए, ज़रूर शामिल करना चाहिए, जिससे कि जो कैल्शियम की कमी है वो ना हो, और उनका जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो भी होता रहे, और मेंटली डेवलपमेंट दोनों होता रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आता है आयरन यानी कि लोहा। ठीक है, तो किशोरियों में मासिक धर्म की शुरुआत 13 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ हो जाती है, यानी कि जो लड़कियां होती हैं उनमें मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है, जो मंथ पे प्रॉब्लम जो होती है लेडीज़ को, वो कितनी इस एज पे स्टार्ट हो जाती है, 13 साल की उम्र पे हो जाती है। तो मासिक धर्म के दौरान किशोरियों के शरीर में अधिक रक्त निकलता है, रक्त के निकलने से उनके शरीर में लोहे की कमी हो जाती है, परिणामतः रक्त अल्पता रोग हो जाता है किशोर अवस्था में किशोर एवं किशोरी के शारीरिक रचना। अब क्या होता है ना कि इसके जब ये है जो उनको प्रॉब्लम होती है, ये हर मंथ पे जो उनको प्रॉब्लम होती है, उसमें क्या होता है कि उनके बॉडी से हर मंथ बहुत सारा ब्लीडिंग होती है, तो इससे क्या होता है कि उनको रक्त अल्पता रोग हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, किशोर अवस्था में किशोर एवं किशोरियों की शारीरिक रचना की तुलना में अधिक आवश्यकता है होती है, अतः उन्हें अधिक मात्रा में लौह तत्व की आवश्यकता होती है। देखो, इसलिए क्या करना चाहिए कि उनकी कमी, उनकी बॉडी में उनके जो ब्लडिंग की वजह से उनकी बॉडी में क्या हो जाता है, लोहे की कमी हो जाती है, और जिससे रक्त अल्पता रोग, आयरन की कमी हो जाती है, तो उनकी लेडीज़ को क्या प्रॉब्लम हो जाती है, रक्त अल्पता रोग हो जाता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि उसमें लौह तत्व की आवश्यकता उन्हें
अधिक मात्रा में लोह तत्व देने चाहिए, जिसमें आयरन भरपूर मात्रा में हो, ऐसे भोज्य पदार्थ उनको ऐसे खाना देना चाहिए। तो ICMR के भोज्य विशेषज्ञों के अनुसार 13 से 15 वर्ष के बालकों के लिए 41 ग्राम, ठीक है, प्रतिदिन, तथा 17 से 18 वर्ष के 18 वर्ष के बालकों के लिए 50 ग्राम प्रतिदिन लौह लवण की आवश्यकता होती है। इसी तरह 13 से 18 वर्ष के किशोरियों के लिए 28 से 30 ग्राम प्रतिदिन लौह लवण की आवश्यकता होती है। देखो अब सबसे पहले किसकी बताइए, 13 से 15 वर्ष की, ठीक है, 13 से 15 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, 41 ग्राम, ठीक है, 41 ग्राम से पुनः 13 से 15 वर्ष वालों के लिए। फिर 17 से 18 वर्ष वालों के लिए कितने की जरूरत कितनी कितने लौह लवण की आवश्यकता होती है, 50 ग्राम, ठीक है। फिर 13 से 18 वर्ष वालों के लिए कितनी जरूरत पड़ती है, 28 से 30 ग्राम। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन ए, ठीक है। अब विटामिन ए की किस प्रकार से हमारे किशोर अवस्था में ज़रूरत होती है, तो आँखों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आहार में विटामिन ए का होना नितांत आवश्यक है, ठीक है। अब हमारी आंखें अच्छी रहें तो क्या हमारे उसमें जो हमारा खाना है, आहार है, उसमें विटामिन ए का होना ज़रूरी है। ICMR के भोज्य विशेषज्ञों ने किशोर किशोरियों के आहार में 600 जग रेटिनॉल तथा 2400 UG JUG रेटिनॉल तथा 2400 UG B कैरोटीन की दैनिक प्रस्तावना की है, ठीक है। ICMR ने कितनी बताई है, 600 JUG रेटिनॉल बताया है, 2400 UG B कैरोटीन बताया है, ठीक है। हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा आदि भोज्य पदार्थों के सेवन से शरीर में विटामिन ए की पूर्ति हो जाती है। अब किस किस से में विटामिन ए की पूर्ति होती है, हरे पत्तेदार सब्जियों से, दूध से, मक्खन से और अंडे से। इससे क्या होता है कि विटामिन ए की जो पूर्ति है वो हमारे शरीर में हो जाती है। अतः उपरोक्त भोज्य पदार्थों को आहार में अवश्य ही सम्मिलित किया जाना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए, हमें ऐसे जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनसे उन्हें हमें अपने आहार में, अपने खाने में जरूर ही शामिल करना चाहिए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट थायमिन। थायमिन आता है, ठीक है। तो बेरी बेरी से बचाव के लिए आहार में थायमिन का होना नितांत जरूरी है, यानी कि जो बेरी बेरी रोग होता है उसके बचाव के लिए हमें आहार में थायमिन का होना भी जरूरी होता है। थायमिन मुख्य रूप से साबुत अनाजों में पाया जाता है। देखो किस में पाया जाता है, मतलब जो मेन रूप है उसका, वो किस में पाया जाता है, साबुत अनाजों में। जो भी साबुत अनाज होते हैं जो हम अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं उसमें पाया जाता है, जैसे कि शुष्क खमीर इसकी प्राप्ति के उत्कृष्ट साधन है। जो शुष्क खमीर होता है, ठीक है, जो खमीर होता है, शुष्क खमीर होता है, उसका जो प्राप्ति का मुख्य साधन है, यानी कि मेनली इसको किस में मिलता है, शुष्क खमीर में मिलता है। ICMR के भोज्य विशेषज्ञों के अनुसार 13 से 18 वर्ष के बालकों के लिए 1.2 से 13 mg प्रतिदिन तथा 13 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए आधे होने की 1 mg प्रतिदिन थायमिन की आवश्यकता होती है। यानी कि 13 से 18 वर्ष के जो बालक होते हैं, यानी कि लड़के होते हैं, उनको कितना, 1.2 से 13 mg तक देना चाहिए पर डे पे इतना। और 13 से 18 वर्ष की जो लड़कियां होती हैं उनको कितना, 1 mg पर डे पे देना चाहिए थायमिन, ठीक है, थायमिन इतना उनके भोजन में शामिल होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, ठीक है,
राइबोफ्लेविन शारीरिक वृद्धि एवं विकास। ए राइबोफ्लेविनोसिस रोग से बचाव के लिए राइबोफ्लेविन का महत्वपूर्ण स्थान है। देखो राइबोफ्लेविन का क्यों महत्वपूर्ण स्थान है, राइबोफ्लेविनोसिस जो एक रोग होता है, एक बीमारी है, ठीक है, उससे बचाव के लिए राइबोफ्लेविन का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वो इतने इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर उस बीमारी से बचना है तो राइबोफ्लेविन का आहार में सम्मिलित होना चाहिए। वो किस में पाया जाता है, ठीक है, वो साबुत अनाज में, ठीक है, साबुत अनाज में और तिल में, गाजर की पत्तियों में, साबुत मूंग में, सोयाबीन, इन सारी चीज़ों में क्या पाया जाता है, राइबोफ्लेविन पाया जाता है। राइबोफ्लेविन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है, इन सारी चीज़ों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है 13 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए 1.2 यानी कि 1.5 mg प्रतिदिन आवश्यकता होती है राइबोफ्लेविन की, यानी कि 13 से 18 वर्ष की जो भी लड़कियां होती हैं उनको 1.5 ग्राम जो क्या कहते हैं राइबोफ्लेविन की ज़रूरत होती है पर डे पे। अब आता है विटामिन बी। विटामिन बी, ठीक है, शरीर में विटामिन बी की कमी से 12 पर्निशियस रक्त अल्पता हो जाता है, अतः इस रोग से बचाव के लिए किशोर किशोरियों के लिए 0.2 से 1.0 mg प्रतिदिन इस विटामिन की प्रस्तावना की गई है, यानी कि जो लड़के एवं लड़कियों के लिए कितनी क्या करनी चाहिए, 0.2 से लेके 1.0 mg तक इस विटामिन की यानी कि विटामिन बी की प्रस्तावना की गई, इतना बताया गया है। और इसकी कमी से क्या आंसर रोग हो जाता है रक्त किशोरियों में, लड़कियों में, यानी कि रक्त अल्पता रोग हो जाता है, ठीक है। तो ये जो था वो हमारा आहार किशोर अवस्था में जो भी आहार की आवश्यकताएं हैं, जो भी आहारी आवश्यकताएं हैं उनका वर्णन था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।